हेलो गाइस, मैं मोहित, आप देख रहे हो गेमिंग पावर जी यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले अपने लो एंड पीसी को गेमिंग जीस्ट पीसी में कन्वर्ट। और उसको करने के लिए हम लोग कुछ रजिस्ट्री फाइल यूज करेंगे, कुछ ऑप्टिमाइजेशन फाइल यूज करेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर यूज करेंगे पीसी को ऑप्टिमाइज करने के लिए, और कुछ सेटिंग को ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, और काफी सारी सेटिंग है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 30 या 40 सेटिंग में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लेते हो तो डेफिनेटली आपका पीसी जो एकदम नया हो जाएगा, आई मीन उसका परफॉर्मेंस एकदम नए जैसा हो जाएगा। मैं खुद अपने पीसी पर ये सारी ऑप्टिमाइजेशन यूज कर रहा हूँ। इन तीनों फाइल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने वीडियो को स्किप किया या फिर पूरा ना देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या चल रहा है, कौन सी सेटिंग क्या यहाँ से करनी है। तो आप इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना। तो चलो फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो मैं चुका डेस्कटॉप पर, यहाँ पर देख सकते हो मैंने ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर टेक्स्ट बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पर अभी दो फोल्डर और है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट में देख लेते हैं। नंबर वन पे आता है हमारा पावर प्लान, हाई कर देना आपने। यहाँ पर जाना कंट्रोल पैनल में और यहाँ पर हाई सेट कर देना, मैंने पहले रखा हुआ है। उसके बाद नंबर टू पे आता है रैम को क्लीन अप करना है। रैम को क्लीन अप करने के लिए आप इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, ये आपकी रैम काफी ज्यादा क्लीन अप कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं टास्क मैनेजर ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो 20% रैम यूज हो रही है। जैसे मैं क्लीन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो रैम यूजेज कम होना स्टार्ट हो गया है। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड है क्रिएट वर्चुअल रैम, जो कि आप यूट्यूब से देख के बना सकते हो। नहीं तो यहाँ पर आपने जिस पीसी की सेटिंग में जाना है, यहाँ पर जाना है सेटिंग में और यहाँ पर एडवांस में जाना है। यहाँ पर चेंज पे क्लिक करना है, यहाँ से उस ड्राइव को सिलेक्ट करना है जिसकी बनानी है और यहाँ पर कस्टम करके यहाँ पर वैल्यू दे देनी है जितनी आपने रैम बनानी। उसके बाद सेट करके ओके करके अपने पीसी को रिस्टार्ट कर लेना। अगर डिटेल में वीडियो देखनी तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। उसके बाद नंबर फोर पे हमारा एनेबल वीटी सर्विस एंड डिसेबल एसआईएस मेन सर्विस। तो आपने यहाँ पर सर्विस लिखना है, सर्विस लिखने के बाद इसको ओपन करना है। यहाँ पर ओपन करने के बाद आपने प्रेस वी करना है और यहाँ पर आपकी वर्चुअल डिस्क आ जाएगी। आपने यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाना है, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पर आपने ऑटोमेटिक सेट कर देना और यहाँ से स्टार्ट कर देना, अप्लाई करके ओके कर देना। तो मैंने पहले कर रखा है। उसके बाद आपने एफ दबाना है, एसआईएस मेन आपने इसको डिसेबल कर देना। मैंने पहले ही कर दिया डिसेबल, उसके बाद आपने इसको कट कर देना। नेक्स्ट जो कि वो है आपको मेरी तरफ से टिप्स है, बस आप इसको यूज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी विंडो बहुत ज्यादा पुरानी है तो अपनी हार्ड को डीफ्रैगमेंट कर सकते हो, यानी कि उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने सिंपली विंडो के बटन पे लिखना डीफ्रैगमेंट, आपके सामने ये आ जाएगा। सिंपली आपने इसको ओपन करना है, यहाँ पर जितनी भी आपकी हार्ड ड्राइव होंगी आपने उन सबको ऑप्टिमाइज कर देना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि जिस पीसी की प्रॉपर्टीज में जाना, एडवांस सेटिंग में जाना और यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस मोड कर देना है, इससे आपका रैम और सीपीयू दोनों बच जाएगा। तो यहाँ पर आपने जिस पीसी की प्रॉपर्टीज में जाना, एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना, यहाँ पर जाना सेटिंग में और यहाँ पर आपने कर लेना एडजस्ट फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस, इसको अप्लाई करके ओके कर देना। नेक्स्ट हमारी आती है ग्राफिक सेटिंग, जो कि आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ग्राफिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद आप उसको भी परफॉर्मेंस मोड में ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप यूट्यूब से देख लेना कैसे आप अपने इंटेल के ग्राफिक सेटिंग को परफॉर्मेंस मोड में कर सकते हो। उसके बाद हार्ड ड्राइव को आप अपने क्लीन अप कर सकते हो और यहाँ पर आपने टेम्प क्लीन लिख लेना और यहाँ पर टेम्प परसेंटेज डाल के क्लीन कर लेनी फाइल। उसके बाद नेक्स्ट आता है अनइंस्टॉल नॉन यूजेज सॉफ्टवेयर, जो कि आप कभी सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं बहुत कम सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, बाकी जितने भी ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर होंगे आप उन सबको इंस्टॉल कर देना क्योंकि वो फॉल्ट में लोड लेते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो विंडो 10 के लिए, तो अगर आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं आपने सिंपली लिखना है, यहाँ पर आपने बैकग्राउंड ऐप लिखना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने इसको ऑफ कर देना, देख सकते हो बैकग्राउंड में ये सारी एप्स रन रहती हैं जिसकी वजह से आपका पीसी स्लो होता है, तो आपने इसको ऑफ कर देना। तो नेक्स्ट है हमारी सेटिंग प्ले बैक टर्न इट ऑन, इससे आप इसको ऑन करने से आपकी जो वीडियो प्ले होती है उसके लिए आपकी ग्राफिक्स मेमोरी यूज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो आपने इसको ऑन कर लेना। यहाँ पर सिंपली प्ले बैक लिखोगे तो यहाँ पर आप आ जाओगे। ट्राई कस्टम सेटिंग स्मार्ट कार्ड के लिए या फिर आप किसी भी एमुलेटर को यूज कर रहे हो तो उसके लिए आप कस्टम सेटिंग लो नहीं लो से भी कम। अगर आप 960x540 पे यूज करते हो अपने स्मार्ट कार्ड को और आपके FPS बहुत कम मिलते हैं तो आप यहाँ पर इस रेजोल्यूशन पे जा सकते हो, जो कि आपको अच्छे खासे FPS भी मिल जाएंगे और आपका लैग भी बहुत ज्यादा कम होगा, नहीं तो फिक्स हो जाएगा आपका लैग भी। उसके अलावा आपने स्मूथ ग्राफिक्स पे खेलना हाई FPS को इनेबल करके तो आपकी गेम डेफिनेटली अच्छे खासे FPS में प्ले हो जाएगी। कोशिश करो कि जब भी आप गेम इंस्टॉल करो तो आप सबसे फास्ट हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल करो, जिससे आपकी गेम जल्दी ओपन होगी, जल्दी लोड होगी। ज्यादा हार्ड ड्राइव है जो टाइम नहीं लेगी और आपकी गेम भी लैग नहीं करेगी। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमाइज वर्जन यूज करो, चाहे वो स्मार्ट गागा हो या फिर कोई भी एमुलेटर, अपने ऑप्टिमाइज या फिर लाइट वर्जन ही यूज करना है। उसके अलावा अगर आप विंडो 7 8 10 11 कोई भी विंडो यूज कर रहे हो और 2 या 4 GB रैम है, आपने विंडो लाइट ही यूज करनी है। विंडो 7 हो या 8 हो या 10 हो या 11 हो, आपने लाइट से ऊपर नहीं जाना है, आपने लाइट ही यूज करनी। अगर आपके पास 2 GB रैम है और 42 वाला प्रोसेसर है, आपने विंडो 7 यूज करनी है। अगर आपके पास 4 GB रैम है और i3 वाला प्रोसेसर है, आप विंडो 10 लाइट यूज कर सकते हो, विंडो 11 पे मत जाना। और नेक्स्ट है जो अपडेट, आपने कभी भी विंडो को नहीं करना है। अगर आपने विंडो को कभी भी अपडेट किया तो वो आपका प्रोसेसर है जो सारा ले जाएगा। मेरे पास i3 सेकंड वाला प्रोसेसर है और मैं जब भी विंडो को अपडेट करता हूँ मेरा प्रोसेसर 90 के आसपास पहुंच जाता है सिर्फ विंडो को यूज करने में। नेक्स्ट हमारा के स्टार्टअप की जितनी भी एप्स होंगी आपने उन सबको डिसेबल कर देना। सिंपली टास्क मैनेजर ओपन करना है, यहाँ पर जाना स्टार्टअप पे और यहाँ पर जितनी भी ड्राफ्ट एप्स होंगी आपने उन सबको डिसेबल कर देना है। नेक्स्ट हमारा आता है कि ड्राइवर आप अपने पीसी को ओरिजिनल करो, जो कि ओरिजिनल ड्राइवर होते हैं वो पीसी के साथ कंपैटिबल हो जाते हैं और आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस मिलता है गेम खेलने में ग्राफिक्स से। आप अपने पीसी का मॉडल इस चैनल पे कमेंट करो, हम लोग आपको दे देंगे आपके पीसी के ड्राइवर। के बाद नेक्स्ट आता है हमारा विंडो के लिए, आपने कभी भी एक्सटर्नल जो कि एंटीवायरस होता है आपने उसको इंस्टॉल नहीं करना, वो काफी ज्यादा आपके पीसी को लैग करवाता है जिसकी वजह से आपकी गेम भी अच्छे से नहीं चल पाती है। के बाद नेक्स्ट हमारा था कि आपने कभी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करना अपने पीसी को ऑप्टिमाइज करने के लिए, क्योंकि जब भी आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अपने पीसी को ऑप्टिमाइज करने के लिए वो और ज्यादा लैग करवा देता है। सो इस सॉफ्टवेयर के क्योंकि ये 1 MB का भी नहीं है, तो इससे जब भी रैम देखो अभी 18% यूज हो रही है, जैसे क्लीन अप करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10% पे आ गई है। ये रैम को काफी ज्यादा क्लीन अप करता है, तो आप इस सॉफ्टवेयर को यूज जरूर से कर सकते हो। मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ तो अच्छा चलता है, और ये कोई प्रमोशन नहीं था, फ्री में था। और नेक्स्ट हमारा है कि आप अपने पीसी की वीटी को अनेबल करो। आपके पास चाहे कोई भी मदरबोर्ड है, कोई भी पीसी है, गीगाबाइट, असूस, MSI, आपने हमेशा वीटी को अनेबल करना है। अगर नहीं पता तो आप यूट्यूब से देख सकते हो अपने पीसी का मॉडल कैसे आपने वीटी को अनेबल करना है। उसके अलावा आप अपनी रैम को ओवरक्लॉक करके यूज करो। मेरी यहाँ पर रैम की स्पीड है जो 1333 स्पीड है, इससे ज्यादा नहीं जाती, तो मैं इसी रैम की स्पीड पे यूज कर रहा हूँ। तो अगर आपको अपनी रैम की लिमिट नहीं पता है तो आप अपने डिफॉल्ट ही यूज कर सकते हो। आप लिमिट से ज्यादा मत करना रैम को ओवरक्लॉक, नहीं तो आपका डिस्प्ले भी खराब हो सकता है। और नेक्स्ट हमारा था ट्राई डिस्प्ले सेटिंग लो। जब भी आप अपनी गेम खेलो तो आप कोशिश करोगे अपने डिस्प्ले सेटिंग है जो वो लो कर दो, क्योंकि जब भी लो करोगे तो आपका पीसी का उतना ही परफॉर्मेंस ज्यादा हो जाएगा और आपकी गेम लैग किए बगैर चलेगी। और जब आप अपनी गेम खेल लो उसके बाद अपनी वापस से हाई रेजोल्यूशन को कर सकते हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा आता है रिफ्रेश रेट को हमेशा मैक्स रखना है। तो अगर आपके पीसी में यहाँ पर 75 है, 85 है, 95 है, या 120 या फिर 144 है या 240, जितना भी मैक्स है आपने उतना ही चूज करना है। मेरा यहाँ पर 60 का मॉनिटर है तो यहाँ पर 60 ही आ रहा है, मैंने मैक्स रखा हुआ है। तो अगर आपका सिस्टम बहुत ज्यादा पुराना है, आपने कभी भी इसकी क्लीनिंग सर्विस नहीं करवाई है, ना ही उसके प्रोसेसर के ऊपर पेस्ट करवाई, ना ही उसकी बॉयज अपडेट करी, ना ही विंडो नहीं करी, तो जल्दी से करो, क्योंकि ये सब करोगे तभी आपका पीसी जो परफॉर्मेंस देगा वो नेक्स्ट लेवल देगा। उसके बाद जो आपका पीसी का परफॉर्मेंस होगा ना भाई, नेक्स्ट लेवल आप खुश हो जाओगे, इतना अच्छा परफॉर्मेंस देता है। मैं तो हर हफ्ते अपने प्रोसेसर को तो नेक्स्ट हमारा है कि मेक श्योर आप जब भी अपनी विंडो को नया इंस्टॉल करने वाले तो आप डेस्कटॉप से और डाउनलोड से डेटा उठा लेना, नहीं तो डेटा डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा था ऐप को हाई परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट करना है ग्राफिक सेटिंग से। तो यहाँ पर आपने जाना है डिस्प्ले सेटिंग में, और यहाँ पर आपने ग्राफिक सेटिंग में, और यहाँ पर की गेम का लॉन्चर होगा, आपने सिंपली ब्राउज पे सिलेक्ट करके उसकी लोकेशन देके इसको ओपन करवा के ऐड करवा देना, और उसके बाद आपने इसको हाई परफॉर्मेंस पे सेट कर देना है। अब स्मार्ट कार्ड के अंदर या फिर किसी भी एमुलेटर के अंदर रजिस्ट्री फाइल लगा सकते हो GPU को यूज करने के लिए। अगर आपके पास ग्राफिक्स मेमोरी खुद की भी है तो वो भी आप यूज करवा सकते हो। यूट्यूब से वीडियो देख लेना, नहीं तो मेरे चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, आप वो देख सकते हो। अभी यहाँ पर हमारा ऑप्टिमाइजेशन वाला जो प्रोसेस था ये तो कंप्लीट हो चुका, लेकिन अभी हमारी ऑप्टिमाइजेशन फाइल पड़ी हुई है, तो चलो जल्दी से इनको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको ओपन करना है फोल्डर को। सबसे पहले यहाँ पर एक कैश क्लीनर मिलेगा, आपने सिंपली इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करवा देना, ये आपकी जो भी टेम्परेरी फाइल होती है उनको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। तो अगर आपके पास कोडी भी और 2 GB रैम वाला पीसी आपने इसको यूज करना है, 4 GB रैम और i3 वाला प्रोसेसर आप इसको चूज कर सकते हो। उसके बाद ये तो क्लीन कर ही रहा है, तो तब तक हम लोग अपने रजिस्ट्री फाइल को ओपन करते हैं। और यहाँ पर ये जो जितनी भी रजिस्ट्री फाइल होंगी और भी काफी सारी है, लेकिन मुझे जो लगता है वर्क करती है वो सिर्फ यही है। तो आप इसी तरह से अपनी जितनी भी रजिस्ट्री फाइल है यहाँ पर इंस्टॉल करवा सकते हो। ये सारी इन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और डाउनलोड कर सकते हो। इसको करने के बाद आपने अपने पीसी को एक बार रिस्टार्ट करना, उसके बाद जो आपके पीसी का परफॉर्मेंस मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। तो आई होप ये वाली वीडियो यहीं तक की, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नहीं आ रहे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।